हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें हम राजतंत्र के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बनते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले हमने इतिहास के 666 क्वेश्चन पे 5 वीडियो की एक सीरीज आपके लिए लाई थी, जो कि 10th लेवल और 12th लेवल तक के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री फॉर एसएससी जीडी और जियोग्राफी फॉर एसएससी जीडी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आप उन वीडियोस को देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल चाहते हैं तो हम एक और नई सीरीज, ये वाली नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास के अलग अलग खंड को लेके, जैसे अभी हमने प्राचीन इतिहास था पकड़ा था, फिर हो सकता है हम इससे भी जो प्रागे ऐतिहासिक काल होता है या फिर पाषाण काल होता है, इन सब से रिलेट करते हुए आगे आपको डिटेल में वीडियोस प्रोवाइड करें, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अप्रोक्स 1000 या 5000 क्वेश्चन तक रहेंगे। उसमें काउंट नहीं किया जा सकता है कि कितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम इसमें करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए प्राचीन भारत से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन स्वांग किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो चीनी यात्री ह्वेन स्वांग जो है वो कपिसा कपिसा राज्य में पहुंचा था। किस राज्य में पहुंचा था? तो कपिसा राज्य में पहुंचा था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख में मिला है, इसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है। और ऊपर में जो हमने ह्वेन स्वांग के बारे में पढ़ा था, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में कपिसा राज्य में आया था, ये भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये भूमध्य सागर के निवासी थे, भूमध्य सागरीय निवासी, भूमध्य सागर के निवासी थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। दोस्तों, अगर आप, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर मैं इतिहास के अलग अलग खंडों पे डिटेल्ड वीडियो लाऊं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ताकि मैं उन वीडियोस पे अच्छे से वर्क करूं और आपके लिए वो प्रोवाइड कर सकूं। जैसे कि इसमें मैंने गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन लिया है या फिर दो क्वेश्चन लिया है, तो उसमें मैं गौतम बुद्ध के ऊपर पूरा का पूरा 100 या 50 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन लेने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको वो चाहिए, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? तो ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, पुष्यमित्र ब्राह्मण वंश का ही था। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे पहला ब्राह्मण वंश कौन था जिसने राज किया था, तो वो शुंग था, जिसने, ये पुष्यमित्र शुंग ही है, यही है शुंग वंश, जिसका पुष्यमित्र शुंग ने ही उद्घाटन किया, यानी कि स्थापना किया था। और ये मौर्य वंश को हराने के बाद आए थे, ये ब्राह्मण धर्म के थे, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप याद रखिए। नेक्स्ट है, बेस नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हेलियोडोर ने करवाया था, गरुड़ स्तंभ, किसने का, ये गरुण लिखा हुआ, आपको गरुण और गरुड़ दोनों ही मिल सकता है, तो आप याद रखें यह हेलियोडोर ने करवाया था, हेलियोडोर बेस नगर में स्थापित है। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता क्या है? तो गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता की रचना किसने की थी? तो ये कात्यायन ने की थी, कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुजुल कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए थे? कनिष्क। तो वही कनिष्क से अगला क्वेश्चन आ गया कि कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क को शासन प्राप्त हुआ था 78 ईस्वी में,
ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, जो अभी ईस्वी हम लोग जी रहे हैं, जैसे 2018 ईस्वी है ये, तो यही 78 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में शिला लेखों का प्रचलन किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था, शिला लेखों का प्रचलन अशोक ने कराया था। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोक वर्धन। नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सबसे पहले चीन में हुआ था, रेशम सबसे ज़्यादा, सबसे पहले रेशम का जो उत्पादन है वो चीन ने शुरू किया था, और इसीलिए आपने सुना होगा अभी करंट न्यूज़ में कि सिल्क रोड जो है वो चीन फिर से शुरू करना चाह रहा है, जो पहले अंग्रेजों के द्वारा रेशम ले जाने के लिए यूज किया जाता था, चीन में बनता था और उसे भारत होते हुए अन्य देशों के साथ उसे ब्रिटेन लेके जाया जाता था, तो उसी को फिर से डेवलप करने के लिए चीन जो है वो प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में ही हुआ था, गुप्त काल में ही मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो यह है मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो। ज़्यादातर आपको जो स्रोत हैं वो इस पे ध्यान देते हैं, प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पे, लेकिन मिलिंद पान्हो में ऐसी किसी भी की चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो ये यूनान वासियों ने कहा था, यूनान वासियों ने इंडिया कहा था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? किसके शासनकाल का वर्णन किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है, इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका, और मेघसनी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे। और दोस्तों एक और चीज़ है, मैं आपसे राय लेना चाहूँगा कि अगर आपको एमसीक्यू वाइज क्वेश्चंस चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू वाइज क्वेश्चंस नहीं चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पैराग्राफ वाइज जो नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, लेकिन जो भी आपको चाहिए आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, कम कमेंट आते हैं, तो मैं एमसीक्यू वाइज ही क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे मैं ये ला रहा हूं, और उसमें मैं डिटेल थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि मैं उन जो डिटेल्स मैं करना चाहूंगा उसे मैं क्वेश्चंस में ही इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको डिटेल ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो ये हर्षवर्धन ने करी थी, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने करी थी। नेक्स्ट है, नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? नागनंदा, तो ये हर्षवर्धन ने करी थी, हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का पुनरोद्धार किसने किया था? तो ये स्कंदगुप्त ने किया था, सुदर्शन झील स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यभूति वर्धन ने करी थी, और ये मैंने जो आपको वर्धन वंश बताया ये यही पुष्यभूति वंश ही है, हर्षवर्धन भी इसी वंश के थे, उसे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो ये 606 ईस्वी में बैठा था, और इतिहास में हर्षवर्धन को आखिरी हिंदू राजा बताया गया है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये आखिरी हिंदू राजा था, इसके बाद भी बहुत सारे हिंदू राजा हुए थे, लेकिन इसके जैसा प्रतापी राजा इसके बाद नहीं हो पाया था, इसी कारण से इसे आखिरी हिंदू राजा बताया गया है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो ये थे शीलभद्र, शीलभद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो ये मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेखों में, मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। नेक्स्ट है, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो यह है राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी ग्रंथ को किसने लिखा? तो ये लिखा है कलहन ने, इसे आप याद रख, इस तरह से रख सकते हैं कि कश्मीर, मैं आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कश्मीर में जो है बहुत सारा राज छुपा हुआ है, और वही राज जो है कलह का कारण बना हुआ है, कलह यानी कि झगड़ा, तो
आप याद रख सकते हैं कि कश्मीर राजतरंगिणी है, कश्मीर का इतिहास आपको मिल जाएगा राजतरंगिणी में, और ये इसके कारण होता है बहुत सारा कलह, हमेशा कलह मचा हुआ रहता है कश्मीर में, तो इसे लिखा है कलहन ने। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख है भानुगुप्त, एरन अभिलेख भानुगुप्त से। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको याद रखना चंद्रगुप्त सेकेंड, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य और ना ही चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त सेकेंड थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो ये गुप्त युग को ही कहा जाता है भारतीय संस्कृति का, क्योंकि आपने देखा कि गुप्त युग में ही मंदिरों का निर्माण भी शुरू हुआ था और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का भी काम इन्हीं ने ही शुरू किया था, तो इसीलिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग को। नेक्स्ट है, सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो ये है वाकाटक, सेतु बंध की रचना जो है ये वाकाटक वंश के शासकों ने करी थी। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वंश के नाम भी सुनने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत कम जानकारी होगी उसके बारे में, तो मैं उन सब वंश के रिलेटेड भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा अपने आने आगे वाले वीडियोस में और इन वीडियोस में भी। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये दुर्लभ वर्ण ने की थी, दुर्लभ रमन ने। ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट नेम है, दुर्लभ वन आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर दुर्ल भरवन आप इसे इस तरह से याद करते हैं, दुर्लभ दुर्ल भरवन भी आप इस तरह से याद रखते हैं। कोका कोर्ट जैसा मुश्किल इस वंश का नाम है, वैसा ही इसके संस्थापक का भी नाम है, तो दुर्लभ, जैसा कि मैंने आपको इसके लिए बहुत आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि नाम इसका पढ़िए आप, कोका कोट, नाम बोलने में ही दुर्लभता है इसमें, और इसका क्या है, संस्थापक बहुत ही दुर्लभ थे, इसीलिए नाम इसका हो गया दुर्लभ वन। नेक्स्ट है, अवंती नगर नामक नगर की के को किस शासक ने बनवाया था? तो ये अवंती वर्मन ने बनवाया था, अवंती नगर अवंती वर्मन ने। नेक्स्ट है, कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो ये उत्पल वंश का हुआ था, उत्पल, कारकोट जो ऊपर हमने सुना था दुर्लभ वन जिसका स्थापना करी थी, तो ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसके बाद उत्पल वंश आए थे, उत्पल वंश। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? तो बौद्ध धर्म सभा का आयोजन 643 643 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पे आपको बौ नहीं सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे बौद्ध भी होगा, ध भी होना है, जो मिस हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक। नेक्स्ट है, इसी को आप समझ लें पहले कि हर्षवर्धन ने थे जिनके आयोजन में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? तो ये यशो वर्मन का हुआ था, यशो वर्मन का, हर्षवर्धन के बाद यशो वर्मन। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, और वहीं अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1319 में हुई थी, 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। अगला है, गुप्त वंश के संस्थाप की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले तो आप इसमें दो फैक्ट आते हैं कि अगर आपसे स्थापक संस्थापक पूछा जाए या स्थापना किसने की थी तो श्री गुप्त आपको टिक करना है, लेकिन जो गुप्त वंश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सबने इसका नाम जाना, तो वो राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिसके कारण से गुप्त वंश को सबने जाना और इसकी शक्ति को पहचाना, तो वास्तविक संस्थापक जिसके कारण से गुप्त वंश वंश के बारे में आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ज़्यादा, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि हमने ज़्यादा अभी आपने पढ़ा था उत्पल वंश, कारकोट वंश, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमें गुप्त वंश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसका एक ही रीज़न था कि ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इन्हीं के कारण हम जो है गुप्त वंश के बारे में आज रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबसे प्रतापी राजा शुरुआत में यही हुए थे, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय इससे भी ज़्यादा प्रतापी हुए थे, लेकिन इनके कारण ही हम पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो आपको ये ध्यान देना है कि गुप्त वंश के स्थापना तो श्री गुप्त ने करी थी, गुप्त वंश के पहले राजा थे वो, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक जिसके कारण से इसकी स्थापना एक्चुअल में मानी जाती है, तो वो करी थी श्री गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम ने।
तो इसीलिए अगर आपको कभी कभार ऑप्शन में श्रीगुप्त ना दिखे और चंद्रगुप्त प्रथम दिखे तो आप चंद्रगुप्त प्रथम को टिक कर देंगे, और लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप श्रीगुप्त को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है, ह्वेन सांग की रचना क्या है? ह्वेन सांग की रचना है सी यू की, सी यू की इसकी रचना। इन्होंने जब भारत का भ्रमण किया था उसके दौरान जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा था तो वो सी यू की में लिखा था। नेक्स्ट है, कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? मालविका अग्निमित्र, मालविक अग्निमित्र, तो ये थे अग्निमित्र ही इसके नायक थे, मालविक अग्निमित्र के नायक अग्निमित्र। स्कंद गुप्त को किस लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो ये कहो मस्तम लेख में कहा गया है, ये कहो मस्तम लेख में स्कंद गुप्त को सक्रोपम कहा गया है, याद रखिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सक्रोपम और ये कहो मस्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे विष्णु, विष्णु भगवान। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो ये चौथी सदी में निर्मित हुआ था। ये ऐसा लौह स्तंभ है इसमें कभी जंग नहीं लगता है, और इस पे आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं कि इसका निर्माण उस जमाने में कैसे हो गया था। नेक्स्ट है, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो ये अमर सिंह ने करी थी अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में अमरकोश थे और इस अमरकोश की रचना करी थी अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसका राजदरबारी था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राजदरबारी था। नेक्स्ट है, गुप्त काल की सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ये दिनार कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दिनार। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? तो ये कालिदास ने रचा था, कुमार संभव को कालिदास ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो ये भी गुप्त वंश में ही, सॉरी गुप्त युग में ही हुई थी, गुप्त वंश के राजा ने ही इसकी स्थापना कराई थी। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये था उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग, यानी कि जो भी उपज होगा उसे 6 भागों में बांटना है और उसका एक भाग जो राजा थे वो ले जाते थे। नेक्स्ट है, नगरों को क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन तो ये गुप्त युग की ही विशेषता थी। अगला है, फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओ की में किसका वर्णन है? तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया, फाहियान के द्वारा फोकुओ की, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था तो ये गुप्त वंश के ही शासकों ने ही किया था, इसीलिए इसे संस्कृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये एरा चला था, एक युग चला था, ये संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युग था। नेक्स्ट है, महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है, चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में महरौली स्थित लौह स्तंभ। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में है, प्रयाग अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो यह गुप्त वंश में ही, गुप्त युग में ही शुरू हो गई थी बाल विवाह की प्रथा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित या अनुदित हुआ था? तो ये कौन सा ग्रंथ जो है यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम, सॉरी मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ दिया, यहाँ पे है कि सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था? तो ये था अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सबसे पहला ग्रंथ था जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये एरन अभिलेख से मिलता है, सती प्रथा का अभिलेख एरन अभिलेख। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये बयाना, जो कि भरतपुर में है, यहाँ से प्राप्त हुआ था, बयाना से। नेक्स्ट है, किस युग के शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये है रूपक, नालंदा विश्वविद्यालय का रूपक। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? तो यह है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मौर्य युग को दिया जाता है, दशमलव प्रणाली का मौर्य युग में हुआ था ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये थे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट मणि अय्यर प्रसिद्ध वादक थे, तो ये थे मृदंगम, मृदंगम के, मृदंगम पालघाट मणि अय्यर मृदंगम के प्रसिद्ध वादक थे। नेक्स्ट है, गांधार शैली का संबंध है किससे, तो ये मूर्तिकला से है, गांधार शैली मूर्तिकला से। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की कला तथा मूर्तिकला को निरूपित करते हैं किसको, तो ये बौद्धों को, ये सांची के स्तूप जो हैं और यहाँ पे जो मूर्ति कला है ये बौद्ध धर्म को निरूपित करते हैं, उससे उसको डिटेल करते हैं। नेक्स्ट है, दया भाग का लेखक कौन था, तो ये थे जिमूत वाहन, दया भाग के लेखक थे जिमूत वाहन। नेक्स्ट है, मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है ईद ए मिला दुल नबी, ईद ए मिला दुल नबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ स्थल कामाख्या किस राज्य में है, तो यह असम में है, कामाख्या असम में। नेक्स्ट है, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये थे रामगुप्त, प्रथम शासक था रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे था, तो ये है हुनों से, मिहिर कुल का संबंध है हुनों से। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, तो ये थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त 12 राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी दक्षिण के। अगला क्वेश्चन है, सर्व राजोक्षेता, सर्व राजोक्षेता की उपाधि धारण किसने की थी, तो ये थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ये सर्व राजोक्षेता, सर्व राजोक्षेता, नाम डिफिकल्ट है इसलिए मैं दो तीन बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी, देखिए यहाँ पे आपको चर्चा मिल गया, ये 319 में करी थी, शायद ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था, तो ये 319 में करी थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है, तो ये 241 में है, 241 वर्ष का अंतर है गुप्त संवत में और शक संवत में। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया है, तो ये गुप्त वंश के शासकों ने किया है, गुप्त वंश के शासकों ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे, तो ये थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी प्रमुख शिक्षा केंद्र। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। इसमें गुप्त वंश से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए हैं ये ऐसा मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये एक क्वेश्चन सिर्फ एक किसी वंश पे बनाने की नहीं थी, क्योंकि हम गुप्त वंश पे आपको और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन गुप्त वंश से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, बस ये एक ट्रेलर समझ लीजिए आप इसे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए जो मैं डिटेल खंड खंड करके बनाऊंगा, तो आप जरूर वीडियो को देख के कमेंट करें, वीडियो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये आर्यभट्ट ने लिखा है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 415 से 454 ईस्वी में हुई थी, 415 से 454 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है, संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है, तो यहाँ पे 2289, 2289 यानी कि 2289 रचनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है, संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो यह थी तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्यम, तोलकाप्यम, तोलकाप्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकाप्यम की रचना किसने करी थी, तो यह तोलकाप्यर ने करी थी, तोलकाप्यर, तोलकाप्यर। नेक्स्ट है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यह थे करिकाल, चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे करिकाल। नेक्स्ट है, करिकाल गद्दी पर कब बैठा, तो यह 190 ईस्वी के आसपास में बैठा था, 190 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे एवं कृषकों को प्रोत्साहन दिया किस चोल वंश के शासक ने, तो यह करिकाल ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, मानसून की खोज किसने की, तो यह करी थी मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। हम जो मानसूनी मानसून में जो वर्षा होती है, तो वो इसकी खोज किसने करी, इसके बारे में दुनिया को किसने बताया था, तो यह एक नाविक थे, वो मिस्र के नाविक थे हिप्पालस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक नवीन
नवनीतकम गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में है, नवनीतकम चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, चोल वंश चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख था उरैयूर। उरैयूर ये जगह है, ये सबसे प्रमुख था सूती वस्त्र उद्योग में। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो ये 510 ईस्वी में मिला है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ अभी आपके पास धड़ल्ले से मिलेंगे। जो भी एग्ज़ाम हो आपके, आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प किया जाएगा हमारे इन वीडियोज़ के द्वारा। तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर जरूर शेयर करें, और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।